हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टेबल के ऊपर एक्रेलिक कलर का कुछ डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम टेबल की तैयारी कर लेते हैं। इसके ऊपर प्लाईवुड लगी हुई थी पहले, और इसके ऊपर डीको पॉलिश हुई थी, डीको पेंट। और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह का हो गया है। तो सबसे पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिपेयर करेंगे वुड फिलर से, या आप चाक मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वुड फिलर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरे पास टीक कलर का वुड फिलर है, आप चाहें तो डार्क वुड फिलर से भी रिपेयर कर सकते हैं इसकी। और इस तरह से जहाँ पे ख़राब हो गई हो पॉलिश, जहाँ पे टूट फूट गया हो, उसके अच्छी तरह से रिपेयर कर लेंगे। इस तरह का डिज़ाइन आप बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर, या लकड़ी की कोई भी किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं जिसके ऊपर पॉलिश या पेंट हुआ हो। और अगर आपकी आपका टेबल सही है, उसके ऊपर पॉलिश ख़राब नहीं हुई है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर डायरेक्ट कलर से ही करके ये सब डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से रिपेयर कर लेंगे और उसको फिर सूखने के लिए छोड़ देंगे 1-2 घंटे। उसके बाद में इसके ऊपर 150 नंबर या 220 नंबर का रेगमाल लगा लेंगे। और फिर इसको कपड़े साफ कर लेंगे। अब इसके ऊपर मारेंगे डीको पेंट। ये ब्राउन कलर का डीको पेंट है। इसको पतला करने के लिए इसमें एंसीथेनर मिक्स करना पड़ता है 1 लीटर में लगभग 300 या 400 ग्राम। और इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपके टेबल के ऊपर पॉलिश हुई है तो उसके ऊपर पॉलिश ही कीजिए। मैं इसके ऊपर डीको पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर पहले डीको पेंट ही हुआ था, वो भी मैं हाथ से कर रहा हूँ। आप चाहें तो गन से भी कर सकते हैं। और ये है स्टेनर। ये जो दीवार का पेंट है, उसका कलर बनाने के काम आते हैं। इसके आप 4-5 कलर ले लीजिए, या जितने भी लेने हो आपको ले सकते हैं इसमें। और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको पतला करने के बाद में सिरिंज से इस तरह से डाल देंगे इसके ऊपर। ये 50 ग्राम लगभग 30 या 35 रुपए का मिलेगा आपको कलर। मैंने 4-5 कलर लिए हुए हैं इसके, और इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे सारे कलर जितने भी हैं आपके पास। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बढ़िया बनने लग जाएगा ये। और ये मैंने कलर कर डाल दिए हैं इसके ऊपर सारे जितने भी मेरे पास थे, 4-5 कलर। उसके बाद में फिर एक पन्नी लेनी है हमें इस तरह की, और इसको ढक देना है। ताकि ये कलर मिक्स हो जाए एक में अच्छी तरह से। आप इसके ऊपर चाहे तो रोलर से भी कर सकते हैं, या कोई डब्बे से, जिससे कि जो कलर ओवर हो गया होगा तो वो बराबर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और कमेंट में मुझे बताना कि आपको किस तरह की वीडियो देखनी है, मैं आपके लिए उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास रोलर नहीं है तो हाथ से भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है।
बस ये कलर बैठ जाना चाहिए अच्छी तरह से। और ये देख लीजिए, ये इस तरह का हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल पेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऑयल पेंट आप करेंगे तो उसके ऊपर ग्लोसी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पक्का हो जाएगा पूरा। क्योंकि ये कच्चे कच्चे कलर हैं तो इनके ऊपर ग्लोसी मारनी पड़ेगी, तब ये पक्के होंगे, नहीं तो ये कुछ दिन के बाद निकल जाएंगे। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे 3-4 घंटे कम से कम। फिर इसके बाद हम ग्लोसी करेंगे। ग्लोसी के लिए आप टचवुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैलामाइन ग्लोसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या प्यू ग्लोसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी करना हो आपको कर सकते हैं। तो ये टचवुड है। अगर आपको ब्रश से करना है तो टचवुड भी मार सकते हैं इसके ऊपर, और अगर स्प्रे से करना है तो मैलामाइन ग्लोसी मार सकते हैं या प्यू ग्लोसी भी मार सकते हैं। मैं मैलामाइन ग्लोसी मारने जा रहा हूँ इसके ऊपर। इसको बनाने के लिए 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक थिनर मिक्स करना पड़ता है, और इस तरह से इसके ऊपर ग्लोसी कर देंगे। और ये हो गई ग्लोसी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।